होम और रिसेंट टास्क वाला बटन रहता है, यहाँ से हम बैक करते हैं, होम पे जाते हैं और रिसेंट टास्क पे जाते हैं। इनको अगर आप हाइड करना चाहें अपने फोन के अंदर तो आप कैसे हाइड कर सकते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो गाइस यहाँ से हम सेटिंग के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर हम सिंपल तरीके से सेटिंग कर लेते हैं टैप, ठीक है गाइस। ओके सेटिंग पर हम कर लेते हैं टैप। सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिस्टम नेविगेशन का, इस पर आपको टैप करना है। तो गाइस हमने इस पर टैप कर लिया। इस पर टैप करने के बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो थ्री बटन जेस्चर होकर रखा है हमारा, थ्री बटन नेविगेशन। इसको आप जेस्चर नेविगेशन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो गाइज आपके यहाँ से बटन जो है गाइज वो आप देखेंगे, तो गाइज आपके बटन यहाँ पे सिंपल तरीके से हाइड हो जाते हैं। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। गाइज बटन यहाँ से हाइड हो चुके हैं। गाइज ये कैसे तरीके से काम करते हैं आपके बटन, मैं आपको ये और सिखा देता हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा। तो गाइज अगर आपको बैक करना है तो आप लेफ्ट स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है, राइट स्वाइप भी कर सकते हैं, और होम पे जाना है तो गाइज आप मिडिल से स्वाइप कर सकते हैं, और रिसेंट टास्क में जाना है आपको तो गाइज आपको मिडिल से स्वाइप करके आप होल्ड रख सकते हैं ऐसे करके, तो आप रिसेंट टास्क में आ सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आप अपने फोन के अंदर बटन को कैसे हाइड कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को अगर तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइज हम मिलते हैं बाकी आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।